आई होप टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया है। बाय द वे, आज मैं आप लोगों को एक हिस्टोरिकल प्लेस का टूर देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो वीडियो में बने रहिए और एन्जॉय कीजिए हिस्टोरिकल प्लेस को। अभी टाइम हो रहा है 7 बजे और मैं अभी जा रहा हूँ स्कूल, तो स्कूल से आते वक्त आप लोगों को वो प्लेस मैं लेके चलूँगा। तो मिलते हैं स्कूल से आने के बाद। तो फाइनली अभी मैं निकला हूँ स्कूल से, और अभी टाइम हो रहा है 2 बजे और मैं जा रहा हूँ आप लोगों को लेके वो हिस्टोरिकल प्लेस में। तो वीडियो में बने रहिए। तो ये है बदरपुर घाट, आप लोग ऊपर देख सकते हो। ये है रेलवे ब्रिज जो क्रॉस करता है बराक रिवर को। ये है फाइनल डेस्टिनेशन हमारा, ये है हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ बदरपुर। डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। इसका ये गेट है, ये जस्ट एंट्रेंस गेट है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये है फोर्ट का रास्ता, तो सामने ये फोर्ट है। बदरपुर हिस्टोरिकल फोर्ट ये बना था कुछ 18 सेंचुरी में, मुगल एरा के वक्त कचहरी किंग ने बनाया था। इसको बनाने का एक ही मकसद था कि यहाँ बैठ के विंटर सीजन में आके यहाँ बैठ के बराक का व्यूज एंजॉय किया जाए, इसलिए ही बना था। तो इसका अंदर का नज़ारा आप देखिए। शायद यहाँ पे कुछ रेस्ट एरिया कुछ शायद ऐसा था। इसका मेन जगह है ये, यहाँ बैठ के किंग्स वगैरह जो लोग विजिटर्स जो आते हैं यहाँ बैठ के वो सामने का हमने जो रिवर है बराक रिवर उसका व्यूज़ एंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं सिर्फ। और इस फोर्ट का यही मकसद है उस व्यू को एंजॉय करने का। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और इसके अंदर और कुछ नहीं है, इतना ही सिर्फ। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये जो सामने जगह आप जगह खाली देख रहे हो, पहले यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ स्लाइडिंग्स और सीसो वगैरह होता था, लेकिन अभी टू लैक ऑफ मेंटेनेंस वो सब चीज़ हटा दिया गया था। और ये फोर्ट बना था सिर्फ विंटर सीजन को एंजॉय करने के लिए, मतलब यहाँ पे पेड़ की छाया में बैठ के वो बराक रिवर को एंजॉय करने के लिए बना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।